गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड द पेज नंबर इज 1515 एंड चैप्टर इज 4 वन एंड मैनी. सो एवरीवन ओपन दिस पेज. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वन एंड मैनी? सो वन इज वन थिंग एंड मैनी मीन्स मोर देन वन थिंग, है ना. वन मीन्स कोई भी एक चीज़ होती है और मैनी मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है. मीन्स वन इट शो द सिंगुलर थिंग्स एंड इट शो द प्लूरल थिंग्स. क्लियर? एंड दिस द फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द वन पिक्चर ऑफ द फ्लावर. ओके, सो इट इज शोज द ओनली फ्लावर. फ्लावर मीन्स ओनली वन थिंग. सो वी हैव ड्रॉ द वन फ्लावर. हेयर इट शोज द फ्लावर्स. यहाँ पे क्या हो गया? एस एड है तो वी विल ड्रॉ द वन देन मोर फ्लावर्स, 2, 3, 4 एनी. ओके, मीन्स वो कौन सी थिंग में आ जाएगा? मैनी में आ जाएगा वो, है ना. तो दिस इज द सिंगुलर एंड दिस इज द प्लूरल. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिंगुलर एंड द प्लूरल? सो व्हेन अ नाउन नेम्स आर थिंग इट इज इन अ सिंगुलर नंबर्स. जब कोई भी नाउन या कोई भी चीज़ हमारी क्या है, वन में शो करेगा तो इट इज शोज द सिंगुलर थिंग. व्हेन अ नाउन नेम्स मोर देन वन थिंग, नाउन के भी जो नेम्स हैं वो मोर देन वन से हमें शो करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो होंगी हमारी प्लूरल नंबर्स. क्लियर? लाइक बुक इज वन बुक एंड बुक्स मैनी बुक्स. फ्रेंड वन, फ्रेंड्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा. गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज. क्लियर? देखो यहाँ भी है मेंशंस, है ना. इन सब के साथ क्या हो गया? देखो ब्लू से हाईलाइट किया, इट मीन्स द प्लूरल थिंग. ये क्या किए हैं? सिंगुलर नंबर्स को चेंज इन द प्लूरल नंबर्स बट विद एड विद द एस. ओके, जब भी प्लूरल नंबर को हमें सिंगुलर से प्लूरल बदलना है तो वी हैव टू राइट द एस. सम टाइम अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड सम टाइम वी यूज द ई एस एंड सम टाइम वी यूज द वी ई एस, है ना. कभी कभी एस यूज करते हैं, कभी कभी ई एस, कभी कभी वी ई एस, बस अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स. सो नेक्स्ट पेज then learn more. This is the also add the s. You can do. आपको क्या करना है? सेम वर्ड को राइट करके उसके साथ आपने s ऐड कर देना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट पेज इज द प्लूरल नंबर्स. दिस इज माई बैग, आई हैव बुक्स इन माई बैग. एक बैग के अंदर क्या है? मेरी बहुत सारी बुक हैं या बुक्स हैं? बुक्स. आई ऑल्सो हैव अ लंच बॉक्स, देयर आर स्वीट्स इन इट. उसके अंदर क्या है? बहुत सारी उसमें स्वीट्स हैं. स्वीट्स मतलब उसकी मम्मा ने एक स्वीट एक चीज़ तो डाली नहीं होगी मिठाई की, बहुत सारी डाली है टिफिन बॉक्स में. तो इट मीन्स द एस एड है तो इट मीन्स प्लूरल स्वीट्स. इन माई बैग देयर आर क्रेयॉन्स एंड पेंसिल्स. क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स एक कलर तो नहीं डाला. क्रेयॉन्स मीन्स एस एड है. क्रेयॉन्स मतलब बहुत सारे कलर्स हैं उसके बाद बहुत सारी पेंसिल्स हैं. तो ये क्या है? ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि एक बैग के अंदर ये इतनी सारी प्लूरल थिंग्स उसके पास है. एस ऐड करने का मतलब है मोर देन वन थिंग. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी कभी एस ऐड होता है, कभी कभी ई एस, कभी कभी वी ई एस. हाउ? फर्स्ट इज जब भी एंडिंग नाउन, जब भी किसी वर्ड्स के एंड में एस खत्म हो रहा है, एक्स आ रहा है, ये एस एच आ रहा है या सी एच आ रहा है, इस पर ध्यान दो. कोई भी वर्ड जो है एंड में, जैसे देखो यहाँ पर इसके एंड में क्या है? एस. तो इसका मतलब क्या ज्वाइन कर दिया? ई एस. हम ऐड क्या करेंगे उसके साथ? ई एस. जब इन वर्ड से एंड हो रहा होगा, जब इन वर्ड से एंड हो रहा होगा. ठीक है, या हियर इज एक्स. एक्स मीन्स ई एस एड. एस एच मीन्स ई एस एड. सी एच मीन्स ई एस एड. क्लियर? नेक्स्ट इज ए वोवल प्लस वाई. जब भी ए वोवल के साथ उसके एंड में हमारे क्या लगा देंगे? एस. क्या? जब भी
वोवल के साथ हमारा क्या आ रहा है? ए वोवल के साथ द स्वाई। जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जांपल्स है, आप जिस भी एंड में वाई आ रहा होगा तो यू हैव टू राइट द ऑल्सो विद द एस। बॉय बॉयज, डंकी डंकीज। क्लियर? नेक्स्ट इज, देखो अभी मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, यहाँ पे किसी के पीछे वाई आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इनमें तो लगेगा ही एस। उन्होंने एक कमांड दिया है, जब वाई भी आई आपके साथ, जब वाई भी इसमें ऐड होता है, वाई होगा तब भी आपको एस लगाना है ए वोवल के साथ। ठीक है, ए वोवल्स मीन्स जब भी इसके आगे, ये क्या है, ओ है ना, वाई के आगे क्या है, ओ, वाई के आगे क्या है, ई, मीन्स ओ एंड ई इज अ वोवल। तो वोवल जब वाई से पहले, जब वोवल होगा वाई से पहले क्या है, जब वोवल वर्ड होगा, वाई से पहले वर्ड क्या होगा, वोवल, तो वी विल राइट विद द एस द एंड ऑफ द वाई। हम वाई के पीछे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। कब? जब वाई से पहले क्या होगा, वोवल। वोवल तो ये होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, फाइव वोवल्स होते हैं ना, तो ओ भी वोवल है, ओ है तो पीछे वाई है, तब भी हम लगाएंगे एस। फिर ई वोवल है क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवल, तो फिर वाई है ना, वोवल के बाद आ गया वाई, तो हम लगाएंगे एस। अब देखो कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, फाइव वोवल हटा दो पूरी ए टू जेड में से, बाकी कितने बच गए, 21, 21 के 21 हमारे क्या हो गए, वोवल्स। जैसे बी बच गया, सी डी एफ जी एच, ये सब क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, है ना। तो देखो उसने बोला है, जब भी कंसोनेंट्स, वाई से पहले जब कंसोनेंट आता है तो वी विल राइट द ई एस। क्लियर? पहले तो आएगा आए, फिर ई एस। चलो हम एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले वाई से पहले क्या है, टी हमारा कंसोनेंट्स, इट्स वोवल, टी तो कंसोनेंट्स होता है, वोवल तो सिर्फ यही होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या वाई से पहले आपको इसमें दिखा कुछ ऐसा? नहीं ना, टी, तो टी इट मीन्स द वोवल, टी इट मीन्स, सॉरी कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स है तो हम क्या कर देंगे, क्या बच गया, वाई हटा दिया तो सी आई टी, सिट आई प्लस ई एस, तो हो गया सीरीज। हम क्या लगा देंगे इसके साथ, आई ई एस। क्लियर? बेबी है, बेबी वाई से पहले फिर बी है, तो फिर क्या लगा देंगे, आई ई एस। क्लियर? क्योंकि जब भी वाई के पहले कंसोनेंट होगा, वाई के पहले कंसोनेंट होगा तो वी विल ऐड द आई वी एस, सॉरी आई ई एस। क्लियर? नेक्स्ट इज ओ। ओ से देखो, जब भी क्या है, एंड में ओ होगा तो हम लिखेंगे ई एस। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, टोमेटो, टोमेटो एड ई एस, टोमेटोज, है ना। नेक्स्ट एफ एंड एफ ई, एफ एंड एफ ई, इन दोनों में से जब भी क्या आएगा, तो हमें किसी भी एंड एफ से हो रहा हो या एफ ई से हो रहा हो, तो हम लिखेंगे उसके साथ वी ई एफ, वी ई एस, क्या लिखेंगे, वी ई एस। क्लियर? देखो यहाँ पे स्काफ लिखा है, स्काफ का एंड किससे हो रहा है, एफ से, स्काफ का एंड किससे हो रहा है, एफ से, है ना, एफ से ऐड हो रहा है, तो क्या ऐड कर दिया इसमें, वी ई एस, क्या ऐड कर दिया, वी ई एस। देखो वी ई, सॉरी वी ई एस कर दिया ऐड, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्काफ्स। अब वाइफ है, वाइफ है तो पीछे क्या, एफ ई, एफ ई होगा तो तब भी क्या शो करेंगे, वी ई एस, वी ई एस। ये टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से थोड़ा इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। चलो हम अब करते हैं, ठीक। अब है ड्रेसेस, तो ड्रेसेस में देखो सबसे पहले एस वाला कोई है टेबल में, है ना, उसने बोला जब भी एंड होता है तो हम क्या लगाते हैं, ई एस, एंड में क्या लगाते हैं, ई एस, जिसका एंड किससे होता है, एस से। अब एस से एंड है तो क्या लगा देंगे, ड्रेसेस,
वेरी गुड. डिशेज एस एच, तो क्या लगेगा? डिशेज, क्योंकि एस एच है तो ई एस ऐड करना पड़ेगा हमें, तो सिर्फ डिशेज. फॉक्स एस एक्स, एक्स से एंड है ना, तो भी क्या लगा देंगे? फॉक्सिस ई एस ऐड. लंच सी एच, लंचेस. क्लियर? इन सब के साथ क्या आएगा? ई एस. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत इजी है. नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? आप इसकी सेकंड वीडियो देखना बेटा.